खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। कलकत्ता से गांधी को भूपेंद्रनाथ बसु का निमंत्रण मिला था। आग्रह था कि हमारे यहां ठहरे। कलकत्ता प्रवास का कोई विशेष कार्यक्रम नहीं था, पर जाना इसलिए था कि रंगून का स्टीमर वहीं से मिलता। गांधी 12 मार्च को पहुंचे और 14 को अगली यात्रा के लिए निकल पड़े। कलकत्ता ने 1.5 दिन के गांधी के इस प्रवास का भरपूर इस्तेमाल किया। गांधी लगातार व्यस्त रहे। गांधी के दो बेटे हरिलाल और रामदास शांति निकेतन से साथ आए थे। हरिलाल और गांधी के बीच की समस्या भी साथ चली आई थी, इस बार थोड़ा और तल्ख होकर। हरिलाल की नजर में दोनों के बीच रिश्ते इस कदर खराब थे कि रास्ते में कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि आगे चर्चा की जगह और जरूरत नहीं थी। न हरिलाल को कुछ नया कहना था, न गांधी को। हरिलाल कह चुके थे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। 12 मार्च की व्यस्तताओं की वजह से गांधी से बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन अगले दिन हरिलाल ने साफ शब्दों में कहा कि वो चर्चा नहीं, परिवार के साथ संबंध खत्म करना चाहते हैं। गांधी ने रंगून जाने से पहले नारंदास गांधी को चिट्ठी लिखी। लिखा, हरिलाल और मेरे बीच गलतफहमी थी। उसने मेरे साथ सारे संबंध तोड़ लिए हैं। अब मैं उसे आर्थिक सहायता नहीं दूंगा। अलगाव में कड़वाहट नहीं थी और मैंने उसे 45 रुपए दे दिए हैं। गांधी ने कहा, हरिलाल को कमरे की चाबी दे देना, वो मेरी जितनी किताबें और कपड़े ले जाना चाहता है लेने देना, जो भी ले जाना चाहे ले और चाबी लौटा दे। कमरे की खोई चाबी मिल गई है, रेवाशंकर भाई के पास है, उनसे ले लेना। कस्तूरबा कलकत्ता में थी, पर उन्होंने इस घटना पर कुछ नहीं कहा। भाई रामदास चुप रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन हरिलाल का गुस्सा अपने पिता और परिवार से रिश्ता तोड़कर भी खत्म नहीं हुआ। वो पूरे मामले को सार्वजनिक करना चाहते थे। कलकत्ता से लौटने पर गांधी के खिलाफ एक अधखुली चिट्ठी जैसा पर्चा लिखकर हरिलाल ने उसे छपवाया और दोस्त परिचितों में बांटा। व्यापक प्रसार के लिए हरिलाल उसे अखबारों को भी देना चाहते थे, लेकिन कुछ सोचकर रुक गए। पर्चे में लिखा था, शिक्षा के बारे में हमारे विचार आपसी मतभेद का मुख्य कारण है। आपने हमें बहुत महीन ढंग से दबाया, जब बात की गुस्से से की, प्यार से नहीं। मुझे लंदन नहीं भेजा पढ़ने के लिए, इसलिए मैं आपकी अनुमति से अलग हो रहा हूं। खामोशी की दास्तान, भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।